केंद्रीय मंत्री शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर का शनिवार शाम दिल्ली में अंतिम संस्कार कर दिया गया। 52 वर्षीय सुनंदा शुक्रवार शाम दक्षिणी दिल्ली के एक होटल के अपने कमरे में मृत पाई गई थीं। उन्होंने अगस्त 2010 में शशि थरूर से शादी की थी। ये घटना हाल ही में सोशल मीडिया पर सामने आए उस विवाद के बीच हुई है, जिसके अनुसार ये खबर आई थी कि सुनंदा अपने पति और एक पाकिस्तानी महिला पत्रकार के बीच संवादों के आदान प्रदान को लेकर बेहद आहत थी। हालांकि दोनों ने रिश्तों के सामान्य होने की बात कही थी। सुनंदा की मौत की जांच पुलिस के अलावा सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा भी शुरू की गई है। कानून के अनुसार शादी के 7 साल के अंदर मौत होने पर सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट द्वारा जांच जरूरी है। उनके शव का शनिवार सुबह दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम के बाद एम्स के डॉक्टरों ने कहा कि सुनंदा की मौत सडन अननेचुरल डेथ यानी अचानक और अप्राकृतिक थी। साथ ही शव पर कुछ जख्म भी मिले हैं, हालांकि जहर के सेवन करने का कोई सबूत नहीं है। पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों के दल के प्रमुख डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने बताया कि पोस्टमार्टम की अंतिम रिपोर्ट आने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे। सैंपल्स फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस मींस रूलिंग आउट एनी पॉइजन, इन्वेस्टिगेटिंग फ्रॉम मेडिकल एंगल एज ए केस ऑफ सडन अननेचुरल डेथ। इन व्यू ऑफ दैट वी हैव रिकॉर्डेड ऑल द इंजुरीज, वीडियोग्राफ्ड द होल प्रोसीजर, टेकन द फोटोग्राफ्स ऑफ द होल प्रोसीजर एंड रिट्रीव सर्टेन सैंपल्स, बायोलॉजिकल सैंपल्स फॉर टॉक्सिकोलॉजिकल एनालिसिस एज वेल एज हिस्टोपैथोलॉजिकल एग्जामिनेशन। By receiving all these reports in a couple of days, we will finalize the postmortem report and we will give our opinion into the case. इस बीच पिछले महीने सुनंदा पुष्कर की जांच करने वाले केरल के एक अस्पताल के डॉक्टरों ने कहा है कि सुनंदा को कोई गंभीर बीमारी नहीं थी। There is nothing critical. We went through all her medical problems, investigated in detail, came to conclusions. सुनंदा पुष्कर की मौत के बाद शनिवार तड़के दिल की धड़कन बढ़ने की वजह से शशि थरूर को भी एम्स में भर्ती कराया गया था। हालांकि जांच के बाद दोपहर में उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिल गई। संयुक्त राष्ट्र में राजनयिक रहे शशि थरूर को साल 2009 में केंद्र सरकार में मंत्री बनाया गया था, लेकिन 2010 में IPL से जुड़े विवाद के बाद उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। पिछले साल उन्हें केंद्रीय मंत्रिपरिषद में दोबारा शामिल कर लिया गया और अभी वे मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़।